नमस्ते भाइयों, नमस्ते। मैं हूँ विराज दीक्षित, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फटाफट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के मैच के बारे में, आज जो मैच होने वाला है उसके बारे में, जैकपॉट कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कल के मैच के ऊपर, क्या भाव चला रहे थे बेटफेयर वाले, आईडी वाले, बुकीज लोग, ठीक है। तो ये सबने देखा है, थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते थे पंजाब को, क्योंकि अगर पंजाब जीतता तो पॉइंट्स टेबल और टफ़ हो जाता, कौन सी टीम अंदर जाएगी कौन सी बाहर हो जाएगी। लेकिन इतना तगड़ा एडवांटेज जो दे रहे थे पंजाब को, शायद ही आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मैच देखे होंगे, ठीक है। हमने ऐसे मैच देखे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहाँ पर तीन तीन पैसे के जैकपॉट भी उड़ाए हैं हमने। एक मैच रंगपुर जो फाइनल जीतने वाला था, ठीक है, कोमिलिया और रंगपुर का मैच होने वाला था, और रंगपुर हमने कप दे के रखा था, रंगपुर को ही जीतना था। तो एक दिन मैच रुका के, क्योंकि रेन आया था, तो अगर वैसे होता तो कोमिलिया अंदर चला जाता, ठीक है। लेकिन रंगपुर को कप जीतना था, तो एक दिन के लिए मैच रुकाया गया, रंगपुर उसके बाद मैच जीता नेक्स्ट डे कोमिलिया विक्टोरियन का हरा कर, और बाद में जो है रंगपुर ने कप विन किया है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो आते हैं रिपोर्ट्स, उसकी जो एक तस्वीर है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो तीन पैसे के जैकपॉट उड़ना ये बांग्लादेश में बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश जैसे प्रीमियर लीग में, क्योंकि वहाँ पर फिक्सिंग तगड़ी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ द लीग थोड़ा लोअर रहता है। आप अगर अच्छे अच्छे लीग्स की बात करें तो वहाँ पर तीन पैसे के, पाँच पैसे के मैच जो है वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतनी हाई फिक्सिंग वहाँ पर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो लीग का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। KPL में भी हमने ऐसे मैच दिए हैं, लेकिन खैर KPL तो अभी होता ही नहीं है, TNPL के भी थोड़ी देर बाद वही हाल होने वाले है अगर उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ द लीग गिरा दिया तो, ठीक है। तो भाव बहुत गलत चला रहे थे, बहुत, मतलब कि जो पंटिंग करते हैं उनको तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कल के मैच में बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अच्छे खासे दिल्ली विन पर प्लस थे, और उन्होंने जो है वो अचानक से भाव देख के, भाव को जो सपोर्ट है वो पंजाब की तरफ देख के, पूरा माल पंजाब की ओर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब चालबाजी थी बुकियोज की, बेट फेयर वालों की, कि पंटर को कैसे लूटा जाए, क्योंकि अगर चार से पाँच मैच देखे तो स्ट्रेट मैच हुए हैं। लेकिन मुंबई और लखनऊ वाला जो मैच था वो मुंबई का ही मैच था, लेकिन वो शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया और जो है वो लखनऊ जीत गया। लेकिन 30 पैसे से काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था, 50 पैसे मुंबई दो बार आया था, ठीक है। तो वो मैच की बात हम बाद में कहीं करेंगे। कल के मैच की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रभ सिमरन सिंह 22 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन ये देखने लायक प्लेयर है, जब भी टीम को ज़रूरत होती है ये कैप्टनसी अच्छी नहीं करते हैं। लास्ट ओवर स्पिन को दे दिया, एक स्पिनर बॉलर को दे दिया, वो भी लेफ्ट हैंडेड को, और नतीजा क्या निकला ये आप सबने कल देखा है, ठीक है। बैटिंग की बारी आई तो फर्स्ट बॉल में ही आउट हो गए। लास्ट मैच जो था दिल्ली और पंजाब का, उसमें भी इन्होंने वैसे ही किया, लेकिन उसमें हमारी टीम पंजाब थी और कल हमारी टीम दिल्ली थी, ठीक है। तो दोनों में हमने विन किया है, लेकिन ये जो कैप्टन है शिखर धवन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है आप लोग समझ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे हम इतने खुल के बात नहीं कर पाएंगे। अथर्व ताइडे अच्छे खेल रहे थे, 55 रन्स बनाए थे, एक अच्छे सेट प्लेयर थे वो पिच पे, और उनको जो है वो रिटायर्ड आउट कर दिया, ठीक है। यानी कि रिटायर्ड अगर हर्ट होते तो वो वापस भी आ सकते थे, लेकिन रिटायर्ड आउट होने के बाद वो वापस नहीं आ सकते। उनके बाद जो पारी संभाली वो लिविंगस्टन जो थे वो बहुत अच्छा खेले, 94 रन्स बनाए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, पावर प्ले में भी अगर आपने चेक किया होगा तो दो कैचेस आए थे, लेकिन कैच पकड़ने के लिए कोई नहीं भागा था, कोई पहुँच ही नहीं पाया था बॉल के पास। नोकिया जो थे वो, उन्होंने भी एक कैच ट्राई करना चाहिए था, लेकिन वो भी देखते ही रह गए, खैर वो तो जाने दीजिए। कुछ कैचेस इनके हाथ में आए लेकिन उन्होंने वो भी नहीं पकड़े, इजीली कैच ड्रॉप कर दे रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था टीवी पे मैच देखते समय कि दिल्ली की पूरी टीम जो है वो चाह रही थी कि पंजाब को आओ हमें मारो और मैच ले जाओ, ठीक है। जैसा कि पंजाब और दिल्ली का फर्स्ट मैच हुआ था, दिल्ली ने पूरा का पूरा मैच पंजाब को दे दिया था और पंजाब ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। कल भी कुछ वैसे ही हालत थे, लेकिन
ये सब चालबाजी कर रहे थे, बुकियोज की चालबाजी थी ये, क्योंकि जो भी बंटर्स प्लस थे पंजाब पे वो तो प्लस वैसे ही रहे। उनको उम्मीद दिखाई गई कि पंजाब मैच जीत सकता है, रेड भी उन्हीं के सपोर्ट में है, यहाँ तक कि लास्ट ओवर में भी नो बॉल करवा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो सही ढंग से तो फ्री हिट पे जो मिस होता है बॉल, तो वो एक तरह की फिक्सिंग ही मैं मानता हूँ, क्योंकि बॉल अगर आप नॉर्मल बॉल जो होती है उस वक़्त आप अगर सिक्स मार सकते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब फ्री हिट होती है तब आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो ये बात मेरे दिमाग से ज़रा बाहर है, ठीक है। तो लास्ट ओवर में भी रोमांच बना रहा नो बॉल का, लेकिन एंड में जाके वो दिल्ली ने ही मैच जीता। तो यहाँ पर जो पंजाब पे थे उनको उम्मीद दिखाई गई कि पंजाब जीतने वाला है, तो आप वहीं पर रहिए। इवन दो कि जो दिल्ली पे थे वो भी पंजाब पे चले गए और सीधा दिल्ली स्ट्रेट जीत गई, ठीक है। यहाँ पर शाहरुख खान हमें नज़र आते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया कल। सैम करन तो पूरे सीज़न में ही बेकार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, बाकी अगर एक या दो प्लेयर इनके अच्छे चलते हैं तो उससे टीम नहीं विन हो पाएगी, ठीक है। अगर टीम को कब जीतना है, प्लेऑफ्स के लिए जाना है, तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों को कंट्रीब्यूशन इक्वल चाहिए। आज के मैच के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद की टीम की बात करते हैं, जो कि लास्ट वाला जो गुजरात वाला मैच था बहुत अच्छा जैकपॉट मैच होने की उम्मीद थी, लेकिन मार्केट ने जो है वो मैच उड़ने नहीं दिया, ठीक है। तो इनके जो बैटिंग ऑर्डर है वो डायरेक्ट कोलैप्स हो जाती है और नीचे से एक दो बैट्समैन चलते हैं और स्कोर के पास जाके हार जाते हैं, ठीक है। वही अगर इनकी बैटिंग कोलैप्स ना करे तो ये टारगेट इजीली जो है वो चेस कर सकते हैं। अनमोलप्रीत सिंह, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी टॉप ऑर्डर में हमें नज़र आते हैं। राहुल त्रिपाठी एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में कि इन्होंने खुद से या किसी के बोलने पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या क्या हो रहा है, ये तो इन्हीं को पता है, या इनकी परफॉर्मेंस अभी ये फॉर्म में नहीं है, अच्छी नहीं दे पा रहे, इसके बारे में क्या रीज़न है वो खुद और मैनेजमेंट अच्छी तरह जानती है। मार्करम जो कि कप्तान इनको बनाया गया है, लेकिन जैसे नाम है उनका लेकिन वैसे यहाँ पर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगले साल ये यहाँ पर इस टीम में हमें दिखाई देंगे, या तो दिखाई भी देंगे तो कप्तानी इनके पास नहीं होगी, जितना मेरा अभी नॉलेज है, जितना मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासन काफ़ी क्लास प्लेयर है, जो कि अकेले खड़े रहकर इनके लिए मैच खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैच जितवाने की कैपेसिटी अकेले प्लेयर रखते हैं, ठीक है। अब्दुल समद, मार्को जॉनसन, मुझे लगता है इन्हें जो है बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक ऑल बॉलर जो है फजलक फारूकी, इसको ऐड कर दिया है, अच्छे बॉलर है नो डाउट, पर इनकी अभी बैटिंग कमज़ोर चल रही है, तो मेरे ख्याल से इनको ग्लेन फिलिप्स को रखना चाहिए था टीम में। भुवनेश्वर कुमार जो कि स्विंग कराते हैं, और अगर इनको पहले चार ओवर में दो विकटें अगर मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा प्रेशर हैदराबाद क्रिएट कर सकती है। मयंक मार्कंडे एक अच्छे स्पिनर है इनके पास, लेकिन मुझे इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, कभी इनको मार भी बहुत तगड़ी पड़ सकती है। नटराजन एक अच्छे बॉलर है, जो कि बहुत अंडररेटेड रहे हैं, जहाँ पर कोई फोकस नहीं करता, वैसे वैसे मैचेस में इन्होंने काम करके दिखाया है और टीम को एक विनिंग पोजीशन में ला के खड़ा इन्होंने किया है, काफ़ी अच्छी यॉर्कर गेंद ये करते हैं एन नटराजन, ठीक है। अगली टीम की मैं आकर यहाँ पर बात करूँ, विराट कोहली, फैब डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल टॉप ऑर्डर में नज़र आते हैं। अगर इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो पूरी टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि अकेला खड़ा रह के परफॉर्म करे, ठीक है। तो पूरी इनकी बैटिंग लाइनअप पे आप जितने भी बैट्समैन देखो, ये बैट्समैन एज अ ऑन पेपर है, लेकिन ऑन द फील्ड अभी तक किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं है। दिनेश कार्तिक हमें नज़र आते हैं, लेकिन वैसा फॉर्म नहीं है अभी दिनेश कार्तिक का इस सीज़न में। ब्रेसवेल को लेके आए हैं पिछले मैच में, अनुज रावत है, पार्नेल एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उनको पिच सपोर्ट करनी चाहिए वरना इनको भी बड़ी मार पड़ सकती है, लास्ट मैच में अच्छा किया था। करण शर्मा अच्छे स्पिनर है, पहले शायद मुंबई में थे, अभी इनके पास से आ गए हैं, ठीक है, मुंबई से भी ये करण शर्मा खेले हैं। मोहम्मद सिराज जो कि अच्छे विकेट निकालते हैं पावर प्ले में, हर्षल पटेल, ठीक है। तो ओवरऑल अगर टीम में देखूं यहाँ पर तो बॉलिंग में मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, अगर लास्ट मैच को अगर हम स्किप कर दें, पार्नेल को भी मार पड़ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है,
मोहम्मद सिराज की अगर गेंदबाजी नहीं चलती है तो हमने देखा था कि दिल्ली वालों ने आरसीबी का क्या हाल किया था। ठीक है, तो इनके पास प्रॉपर बॉलर अगर देखें तो मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर है जो कि अगर चलते हैं तो बॉलिंग को जो है संभाल पाते हैं, आरसीबी की बॉलिंग को। अगर इनको मार पड़ती है तो कोई तगड़ा बॉलर जो संभाल सके ऐसा मुझे अभी तक नहीं नज़र आ रहा है स्क्वाड में। ठीक है, अगर मैं इस मैच की अगर जैकपॉट या मिनी जैकपॉट की मैच करूँ तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि अगर 10 पैसे 20 पैसे का जो छोटा फिगर वाला जो जैकपॉट होता है नीचे के भाव वाला वो चाहिए तो मुझे लगता है यहाँ पर हैदराबाद को जो है फर्स्ट बैटिंग पे आना पड़ेगा। अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग पे आता है तो मैच काफ़ी तगड़ा होने के चांसेस है और बहुत छोटा जैकपॉट हो सकता है, 10 पैसे का 20 पैसे का जैकपॉट इस मैच में मिल सकता है अगर हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करता है तो। फिर चाहे वो आरसीबी लो लग सकता है और वहाँ से मैच उड़ सकता है, या हैदराबाद लो लग सकता है वहाँ से मैच उड़ सकता है। लेकिन अगर हैदराबाद सेकेंड बैट पे आता है और आरसीबी फर्स्ट बैट पे आता है तो मेरे ख्याल से जो चांसेस है जैकपॉट के वो थोड़े यहाँ पर कम हो जाते हैं। जो भी टीम विन होगी तो अपोजिट टीम को वो ज़्यादा फेवरेट नहीं लाएगी ऐसा अभी तक मुझे लगता है। लेकिन जो अभी टॉस गिरेगा, मार्केट लोड शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन से टीम पर क्या लोड आ रहा है, रेट क्या दिखा रहा है, बुकीज़ क्या करना चाहते हैं, ये सब टॉस के बाद हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, जिसे भी कमाना है आ जाना, काफ़ी अच्छे मैचेस आने वाले हैं आगे और अच्छे मैचेस में कमाई भी अच्छी होने वाली है, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मन हुआ तो बहुत अच्छा मैच टेलीग्राम चैनल पर भी ओपन करवाएंगे। चलो चलता हूँ, गुड बाय।